जनजातीय त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान केंद्र करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान केंद्र करने वाला है। तो देखने में फौरी तौर पर तो एक इंस्टीट्यूट लगेगी, मगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, बहुत समझ कर कह रहा हूं, आने वाले देश की आजादी के शताब्दी तक के समय के 25 साल के जनजातीय विकास की रीढ़ की हड्डी ये अनुसंधान केंद्र बनने वाला है। अनुसंधान संस्थान और जन शिक्षा के लिए मोदी जी ने शुरुआत से बहुत बल दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें चलती थी तब 2014 में इसके लिए बजट 7 करोड़ रुपया था, मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 करोड़ था। 2022 के बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, क्योंकि कोई भी विकास करना है तो इसकी नींव ठोस चाहिए। विकास की योजनाओं का आधार कमियों का अभ्यास कर ही कर सकते हैं, कमियां दूर कैसे होगी इसकी नीति बनाकर ही कर सकते हैं, और नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको संपूर्ण रूप से आयोजित कर ही आप विकास कर सकते हो। अगर अनुसंधान नहीं है तो ये नहीं हो सकता। सिक्रूट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी करी है, 27 बनाए हैं, और सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऐसे कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, मोदी जी ने आने के बाद बनाया। मुझे कहते हुए आनंद है कि 49 प्रतिष्ठान आज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में सर्टिफाइड। शायद वो ओडिशा या गुजरात या झारखंड में गांव में जो ट्राइबल महिला है उसको मालूम नहीं है, मगर ट्राइबल जनप्रतिनिधियों ने, ट्राइबल के क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ ने, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले रिसर्चर ने इसका बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए।